बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर को आए हुए एक दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और यह फिल्म के ट्रेलर पे टोटल व्यूज ही हुए हैं 15.2 मिलियन। सो अगर लाइक्स की बात करते हैं 257 के है, मीन्स 257,000 लाइक्स है। कमेंट की बात करते हैं तो 37K कमेंट है। सो यहाँ बहुत ऐसे लोगों का ये चीज़ें कहना है कि ट्रेलर फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेलर पे 15.2 मिलियन व्यूज है, इस वजह से ट्रेलर फ्लॉप हो चुका हो। चल झूठा। और ये चीजें ना सोशल मीडिया पे ना काफी तेजी से फैलाई जा रही है भाई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सीरियसली यार, मैं ये टॉपिक पे ना वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं कल की रिलीज डेट को लेके वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि अभी उसकी रिलीज डेट को लेके मेरे पास एक बहुत ही पुख्ता वाला खबर है। बट तब तक मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे भाई लोग कुछ सोशल मीडिया के आर्टिकल शेयर कर रहे हैं कि ट्रेलर फ्लॉप हो चुका है, ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक और बड़ी फिल्म फ्लॉप देने वाले हैं। यार देखो भाई, सबसे पहले ना हम लोग ना किसी भी फिल्म के ट्रेलर के व्यू से ना ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और इससे भी अच्छी चीज़ें मैं तुम लोग को बता दूँ ना, एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ये 15.2 मिलियन ना जिस पर व्यूज गए हैं ना, ये प्रॉपर ऑर्गेनिक व्यूज गए हैं, ना कि ये लोग ऐड चलाए हुए हैं। अगर ये लोग ऐड चलाते हैं ना तो अभी 60, 70, 80 मिलियन तक पहुंचा देते। बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी फिल्में आई है, तुम्हारे नज़र में जो भी फिल्में आई है, उन सब फिल्मों के जब ये ट्रेलर को रिलीज करा गया हुआ था ना, तो मात्र 1 आवर्स के अंदर ही एड वो लोग चलाना स्टार्ट कर दिए। बट ये फिल्म के मेकर्स अपने टीजर के टाइम पे एड्स चलाए हुए थे, बट अभी ट्रेलर के टाइम पे प्रॉपर वो लोग ना छोड़ दिए हैं कि अब ये ट्रेलर के साथ जो भी होगा वो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। और अच्छी बात ये है कि 70% ऑडियंस ये फिल्म के ट्रेलर को पसंद कर रही है, और 30% ऑडियंस, 30 में से ना 10% ऑडियंस ऐसी है जो इसको लेके नेगेटिव चीज़ें फैला रही है, और इनके वजह से ना 20% की जो ऑडियंस है ना, जो बचे हुए 20% की ऑडियंस है, वो लोग अभी कंफ्यूज हैं कि ये फिल्म को सपोर्ट करे या फिर ना करे। बट वो लोग भी चाहते हैं इस टाइप से फिल्में चले। बस 10% ही हैं थोड़े से उल्टे पुल्टे वाले लोग यार, जो इस फिल्म को चाहते हैं कि फ्लॉप करा दिया जाए। और इसके साथ साथ भाई बहुत तगड़ी इस पर PR करी जा रही है, बहुत तगड़ी वाली PR चल रही है। मैं अभी सच में यार कभी मूड घूमेगा ना, मैं प्रॉपर एक्सपोज कर दूंगा यार कि कौन कौन इसके पीछे भाई कर रहे हैं सारी चीजें। सीरियसली यार, मतलब इतनी अच्छी ट्रेलर के साथ पैसे दे के भाई नेगेटिव इस पे रिव्यू करवाया जा रहा है, लोगों को बोले जा रहे हैं कि तुम बोलो सामने से आके ये ट्रेलर फ्लॉप हो चुकी है, यह ट्रेलर बहुत ही गंदी है। ये चीजें पता है, ये चीजें क्रैक मूवी के साथ भी हुआ था, नेगेटिव PR भाई करी गई हुई थी उस फिल्म के साथ। यार बताओ, इतनी सही फिल्म थी वो सच में। अगर यही क्रैक जैसे मूवी ना अगर हॉलीवुड वाले लेके आते ना, ये सारे लोग जितने भी रिव्यू दिए थे ना इस फिल्म को लेके कि बहुत ही छपरी वाली चीज है, अगर यही लोग ना भाई तारीफ कर रहे होते। बात तो सही है। बहुत लोग का ये चीज कहना है कि पठान से बहुत ऐसे सीन्स को उठा के डाल दिए गए हैं, इस वजह से ये फिल्म के ट्रेलर को लोग नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, पठान का सीन अलग था, ये फिल्म का स्टोरी अलग है, ये साईफाई वाला एंगल को डाला गया है, अक्षय कुमार का भी एक क्लोन तुम्हें देखने को मिलेगा इस फिल्म में, इसके अलावा टाइगर श्रॉफ का भी एक क्लोन तुम्हें देखने को मिलेगा। और भाई, फिल्म के जो विलन है पृथ्वीराज सुकुमार, एक साइंटिस्ट है यार, वो इस तरीके से चीजें क्रिएट कर दिया हुआ है कि आपस में भाई टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लड़ा देता है। ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है यार। यहाँ पठान और ये फिल्म का कोई अता पता, मतलब दूर दूर तक भी कहीं से भी तुम देखोगे तो भाई दोनों का कनेक्शन नहीं है स्टोरी वाइज में। ये हो सकता है कि वो भी एक मिशन पे गया हुआ था, ये भी एक मिशन पे जाने वाला है। सो इस टाइप से बतेरे फिल्म हम सबने देखा है यार। ये तो फिल्में हम लोग भाई जब से हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था तब से भाई इस टाइप से फिल्में बनती आ रही है। अच्छी बात ये होती है ना कि टॉपिक को डायरेक्टर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। देखो भाई, ये फिल्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सीरियसली यार बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट ये फिल्म के साथ जिस तरीके से नेगेटिव PR करी जा रही है ना, नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है ना, तो ये फिल्म को ना थोड़ा सा नीचे खींच रही है। लेकिन ये फिर भी ये फिल्म का ट्रेलर को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यार। सो मैं तुम लोग से वंस अगेन बोलना चाहता हूँ भाई, किसी भी ट्रेलर को ना उसके व्यू से डिसाइड मत करो या फिल्म चलेगी या फिर नहीं चलेगी। भाई बतेरे फिल्म हम सबने देखा हुआ है भाई जिनके ट्रेलर पे एकदम ही व्यूज नहीं था, लेकिन फिर भी वो फिल्म बहुत बड़ा बड़ा भाई कलेक्शन करा हुआ था, बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया हुआ था। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, देखना मैंने
जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा, जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा वो तो भाई इस फिल्म की तारीफ तो भर भर के करने वाला है। और ये नेगेटिव वाले जो पैसे लेकर जो लोग रिव्यू करते हैं वो लोग अगर मुख छोड़ दे तो सब कोई भाई तारीफ करने वाला है इस फिल्म की। और भाई क्योंकि ये फिल्म के ट्रेलर में दम है और भाई मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म तो भाई बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली है। और ऑर्गेनिक व्यूज है भाई 15.2 मिलियन। अब वहीं अगर एड वर्ड लग जाता तो भाई 60-70 हो जाता, पता नहीं 100 मिलियन भी क्रॉस कर लेता यार। सो मेकर्स ने बहुत ही अच्छा काम करा है। जितने भी टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के फैंस लोग का भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मेकर्स ने ऑर्गेनिक चीज़ों को रखा है मैम, पैसे खर्च करके बिना मतलब का व्यूज खरीदा नहीं है। बाकी यार अपना ओपिनियन तो लोग कमेंट करके जरूर बताना यार कि तुम लोग का इस पर क्या कहना है, तुम्हारे वैसे क्या लगता है, या फिर हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी या फिर एबिस आएगी। ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। तो चलो अगर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा ही पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहो।